तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई क्रेटा। आज मैं आपके लिए ऑल न्यू क्रेटा की फेसलिफ्ट का फुल डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी नई क्रेटा किस तरीके से ग्रैंड विटारा से कम्पीट करने के लिए आ रही है। आज मैं आया हूँ थाई मोटो एक्सपो में, डिटेल में समझाता हूँ आपको नई क्रेटा के साथ आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें आपको एडास के फंक्शन दिए गए, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, लेकिन जो सबसे नया इंप्रूवमेंट आया है इस गाड़ी के लुक्स को बहुत शानदार कर दिया गया है। जिस तरीके से आपको टूसा इंडिया में मिलती है वही लुक को यहाँ दिया गया है। मैं आज आपको इसके तीन कलर ऑप्शन दिखाऊंगा, एक है ग्रे, एक है वाइट और एक आपको रेड शेड भी शो करूंगा। इस बार हुंडई अपनी ऑल न्यू क्रेटा में जो नया डिज़ाइन लेके आई है ना बहुत शानदार लग रहा है। मेन बात है कि ये टूसों से इंस्पायर किया गया है और काफ़ी मॉडर्न लगता है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। अभी जो कलर ऑप्शन ग्रे शेड है उसके साथ जो आपको इसमें डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है बिल्कुल मैचिंग लग रहा है, काफ़ी शानदार। इसकी खास बात यह है जो ये डार्क क्रोम दिया गया है ना ये इस तरीके से रिजेंबल करता है कि जो इसके DRLs है जब ये ऑफ होंगे फुल एक ग्रिल का डिज़ाइन ले लेंगे और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर जो DRL एलिमेंट है पहले के मुकाबले चेंज हो चुका है। अब जो इसमें हेडलैम्प है थोड़े और से नीचे चले गए हैं और यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप ऑफर किया गया है। साथ ही गाड़ी में अभी भी कोई फॉग लैम्प मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उसी के साथ जो टर्न इंडिकेटर है उसकी पोजिशनिंग भी कुछ ऐसी की गई है। बाकी फ्रंट का लुक काफ़ी बोल्ड लगता है, काफ़ी मॉडर्न लगेगा आपको। मेन बात है जो इसका कंपटीशन है, एक तरफ हाईराइडर है, एक तरफ है ग्रैंड विटारा, बट जो क्रेटा है उसकी बात अभी भी बनी हुई है और शानदार लग रही है गाड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाड़ी अभी भी बहुत कड़ी टक्कर देगी ग्रैंड विटारा को। साथ ही जो यहाँ पर हुंडई का बड़ा सा लोगो है काफ़ी अल्टीमेट, मैं आपको बता रहा था इसमें आपको एडास के फंक्शन मिलते हैं तो इसमें क्या फंक्शन है वो समझा दूंगा। बाकी ऊपर देखेंगे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और इंटीरियर्स देख रहे होंगे, कॉग्नैक ब्राउन का यूज़ किया गया है बहुत बढ़िया। और साइड प्रोफाइल से देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर गाड़ी की जो लंबाई है बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, सिमिलर लंबाई है 4315 mm की। लंबाई के मामले में अगर आप देखते हैं तो ये ग्रैंड विटारा और हाईराइडर से कम है, लेकिन गाड़ी में स्पेस भरपूर मिलता है आपको। आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा अभी भी 192 mm का मिलने वाला है। उसी के साथ अगर आप अलॉय के डिज़ाइन को देखते हैं तो काफ़ी डायनेमिक लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हाईराइडर और जो अभी क्रेटा मिलती है वही याद आने वाली है। इसके साइज़ की बात करें तो आपको इसमें 17 इंच का टायर दिया गया है, 21560 सेक्शन रेडियल 17 का। आगे आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। जो टायर कंपनी है अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कोम्हो के टायर दिए गए। अब जैसे आज हम आए हुए हैं थाई मोटो एक्सपो में, बहुत शानदार गाड़ी है, सबको समझाने वाला हूँ। आपको करना है वीडियो को लाइक, अपने कमेंट दीजिए कि इस गाड़ी में आपको क्या बढ़िया लग रहा है और साथ ही देखिए गाड़ी की अपनी अपील ये कुछ है। अब मैं आपको ले चलूँगा इस गाड़ी की रियर की प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल से यहाँ पर हुंडई ने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बिल्कुल सिमिलर है। अभी भी आपको वही 50 लीटर का टैंक मिलता है। इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको इसमें तीन इंजन ऑप्शन दिए गए। एक है इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि वही पावर बनाता है अभी भी, साथ ही 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, साथ ही 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी चॉइस है। ग्रैंड विटारा में आपको डीजल नहीं मिलता है बट वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया है, तो लोगों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही है। साथ ही पीछे टेल लैम्प देखेंगे सेम डिज़ाइन है, ज़्यादा चेंज नहीं है। ऊपर देखेंगे स्पॉइलर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना, पीछे देखेंगे डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, सब कुछ दिया गया है। और कलर ऑप्शन की वैरायटी देखें तो ये आप इसका वाइट शेड देख रहे हैं। बाकी नाम की बात करें तो जो कलर अभी ये वाला देख रहे हैं इसका नाम है टाइटन ग्रे मेटेलिक कलर ऑप्शन। साथ ही जो यहाँ आप देख रहे हैं इसका नाम है क्रीमी व्हाइट पर्ल। इसमें भी गाड़ी बहुत प्रीमियम लग रही है और जो आपको इसमें यहाँ पर सी पिलर दिया गया है काफ़ी बढ़िया। इस साइड देखेंगे यहाँ पर भी बहुत शानदार लग रहा है। गाड़ी का जो अपना बूट स्पेस है 433 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है जो कि इसको काफ़ी मैं कहूँगा सही गाड़ी बनाता है। एक फैमिली के हिसाब से भी 433 लीटर्स बिल्कुल एडिक्वेट है। ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर कोई भी पावर टेलीट का ऑप्शन नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं मिलता है, इंडिया में भी नहीं आएगा। उसके साथ पीछे देखेंगे तो ये है गाड़ी का डिपार्चर एंगल। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के रेड कलर की ओर और उसके बाद मैं आपको इसका दिखा दूंगा इंटीरियर। वहाँ पर भी जो एडास के फंक्शन है क्या क्या है, किस तरीके से आपकी सेफ्टी को बढ़ाएंगे वो समझा दूंगा। ये इसका वाइट कलर। बाकी मैंने जो हुंडई की पूरी पवेलियन है वो कवर करी है, जो बजट सेगमेंट की गाड़ियाँ देखना चाहता है उनके लिए भी कुछ गाड़ी बनाई है और जिसको प्रीमियम गाड़ियाँ चाहिए उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। बाकी बहुत शानदार पवेलियन बना हुआ है और ये आप देख रहे हैं हुंडई का जो मैं आपको बता रहा हूँ जो रेड कलर ऑप्शन है जिसका नाम है ड्रैगन रेड पर्ल। लेकिन इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिखेगी क्योंकि ये जो वेरिएंट यहाँ शोकेस किया गया है ये इसका लोअर वेरिएंट है, बट इसमें अलॉय लगाए गए हैं और जो इंटीरियर है उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये देखेंगे गाड़ी की साइड प्रोफाइल, बहुत शानदार अल्टीमेट लुक्स दिए गए, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी अपीलिंग लुक है। और फ्रंट से ये देख सकते हैं आप, रेड के साथ भी गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। अब मैं आपको ले चलूँगा गाड़ी के इंटीरियर्स में, फ्रंट से भी देख लीजिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको गाड़ी कैसी लगी। चैनल अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाइएगा। और साथ में देखिए इसकी क्लैडिंग्स है। अंदर ले चलूँ आपको सबसे पहले लोअर वेरिएंट में ही, फिर चलेंगे अपर वेरिएंट्स की ओर। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जो स्क्रीन आपको मिलती है
जो इसका थोड़ा लोअर वेरिएंट है देखेंगे तो इंफोटेनमेंट आपको वही मिलेगा जो क्रेटा के थोड़े लोअर वेरिएंट से मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ ब्लैक शेड का यूज़ किया गया है, ब्लैक टोन का यूज़ किया गया है। जो अपर वेरिएंट है उसमें आपको ब्राउन टोन मिलती है और ये कुछ इसका रूफ लाइनिंग, ये सब कुछ देखेंगे। सनरूफ नहीं है इस वेरिएंट में, लेकिन जो सीट्स है ये आपको लेदरेट है। 6 एयरबैग है, मेन बात साइड कर्टेन एयरबैग देख रहे हैं, वहाँ पर भी एयरबैग की बढ़िया सी ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पर देख लीजिए डोर पैनल की ओर। अब मैं आपको ले चलता हूँ आपकी क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट्स की ओर। बूट स्पेस और पीछे वाले रो में कोई चेंजेस नहीं है, बट गाड़ी बाहर से बहुत बढ़िया लग रही है। मेन चीज़ है कि टूसॉन का जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर करके दिया गया है, जिससे गाड़ी में अलग चार्म आई है। और जो हुंडई है वो भी अपने कस्टमर्स को एक प्रीमियम फील करवाना चाहता है कि हमने भैया कुछ प्रीमियम गाड़ी वाली फील कराई है। और साथ ही आपको दिखाते हैं कि इसके इंजन सेटअप में भी कोई चेंजेस किए गए हैं। वैसे कोई चेंजेस नहीं है, अंदर देख लेते हैं क्या कुछ क्लैडिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा पूरा। बाकी गाड़ी डिज़ाइन वाइज बहुत शानदार है, बोनेट का वेल अच्छा है इसका। यहाँ पर इसका पेट्रोल इंजन है जो कि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें डुअल जेट आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, 115 हॉर्स पावर बनाता है और 144 Nm का टॉर्क है। फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में एवरेज है, ज़्यादा बढ़िया आप ले सकते हैं अगर आप आराम से चलाएंगे। इसमें आप इन फ्यूचर CNG भी लगा सकते हैं, बाकी कंपनीज को देखते हैं कब तक CNG लाती है। लग रहा है कि टर्बो पेट्रोल के साथ CNG ला सकती है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये इंजन बिल्कुल सेम है, अंदर का बे पूरा सेम है, क्लैडिंग का पार्ट भी सेम रहा। यहाँ पर जो हुड इंसुलेटर है वो भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है। मेन जो चेंजेस किए गए वो किए गए इसके लुक्स के ऊपर, जो फेसलिफ्ट से बना दिया गया। बाकी इंडिया में जो ADAS वाले फंक्शन है उसको देखेंगे किस तरीके से वर्किंग है। पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी में पहले भी आती थी, अपने में आज भी बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, तभी जो ग्रैंड विटारा है तगड़ा कंपटीशन चल रहा है इसके और उसके बीच में। और जो सेल्टॉस है वो भी साइड बाय साइड अपडेट ले चुकी है, उसकी वीडियो आपके लिए आने वाली है। और साथ ही अब हम देखते हैं आपकी क्रेटा के टॉप मॉडल में इंडिया में क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको इसमें ADAS के फंक्शन मिल रहे हैं। नई क्रेटा के साथ जो ADAS है वो इस गाड़ी की सेफ्टी को इम्प्रूव करने वाला है। इसके ADAS के लिए क्या ऑप्शन दिए गए, मैं नीचे रडार इसमें नहीं देख पा रहा हूँ कहीं भी, लेकिन ऊपर आप देखिए आपको लेन वॉच कैमरा मिलता है जो कि आगे की रोड को बढ़िया तरीके से स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक एल्गोरिदम रन करके बढ़िया तरीके से आपको क्या क्या फंक्शन देता है वो समझाता हूँ। सबसे मेन फंक्शन है अगर इसके ब्रोशर में देखेंगे तो आप फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट का फंक्शन मिलता है। ये सिर्फ असिस्ट यहाँ पर शो कर रहा है, तो देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या काम करेगा, क्या ये गाड़ी को फुल ब्रेक लगा पाएगा। साथ ही रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट भी मिलता है, यानी कि पीछे के बम्पर में भी कुछ इसमें ADAS लाइक सिस्टम रखा गया है, जो रडार पीछे जब आप गाड़ी बैक करके कहीं से निकाल रहे होंगे तो ये गाड़ी को स्कैन करेगा और देखेगा कहीं से पीछे गाड़ी आ तो नहीं रही है। अगर आ रही होगी ब्रेक भी लगा सकता है, इवन आपको वार्निंग देगा। लेकिन फंक्शन रियल लाइफ में कितना काम करते हैं वो देखेंगे। साथ ही लेन कीपिंग असिस्ट, जब गाड़ी हाईवे में भाग रही होगी तो लेन को ये एक तरीके से मेंटेन करके चलेगा, लेन से गाड़ी को बाहर जाने नहीं देगा। साथ ही लेन को फॉलोइंग असिस्ट भी करेगा, लेन को फॉलो करने का काम भी करेगा। और उसके साथ आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग अवॉइडेंस सिस्टम मिलता है। और जिस तरीके से इसके OAVM दिए गए इसमें आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी को, अगर आप कोई आपके ज़्यादा पास से निकला है और वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में है तो ये आपको अलर्ट दे देगा कि गाड़ी आ रही है, आप दाएं बाएं मत जाइए जब आप हाईवे में हैं। उसके साथ आपको रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट वाला फंक्शन मिलने वाला है, उसी के साथ आपको ड्राइवर अटेंशन वार्निंग। ये कुछ बेसिक फंक्शन है, लेकिन अंदर और अच्छे से तरीके से पता चलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स में। बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है, अच्छा काम करा है हुंडई ने। और बाकी देखेंगे तो ये इसका कुछ डोर पैनल है। ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ये सेम है अभी भी पहले की तरह, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो डोर में वेट है ये भी सिमिलर है। इसमें आपको K2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि हुंडई ने इंडिया में भी आपको ऑफर करा है। अब ये इसका टॉप एंड मॉडल है, तो ध्यान रखिए जो इंटीरियर थीम है वो थोड़ी आपको अलग लगेगी, जो मैंने अभी लोअर वेरियंट दिखाया था। लेकिन इसमें इंफोटेनमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 8 इंच का इंफोटेनमेंट दिया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग आपको इसमें डी कट नहीं देखने को मिल रहा है, सिंपल सर्कुलर है। इंडिया में आपको डी कट ऑफर किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ देखेंगे डोर पैनल, तो कुछ यहाँ पर ब्राउन शेड में एक डोर पैनल ऑफर किया गया है। उसके साथ यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर कुछ हैं। इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर है, साथ ही 6 एयरबैग भी दिए गए, ABS CVT है, सारे फंक्शन है। उसके साथ यहाँ पर देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का फंक्शन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है। यहाँ पर कोई भी पावर ड्राइवर सीट नहीं है तो वहाँ भी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे इंटीरियर्स में देख पा रहा हूँ, और कुछ ग्रे और कुछ ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ सेम है, इंडिया में मिलती है, लेकिन जो सेल्टॉस है ना उसमें देखना है कि भैया पैनोरामिक सनरूफ का क्या है मामला, क्योंकि उसकी अपडेट आने वाली है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करना भाई चैनल बस। और यहाँ पर देखेंगे पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड पहले की तरह दिखता है। उसके साथ यहाँ पर आपको जो क्लस्टर है ये भी अपडेट हो चुका है, सेम क्लस्टर जैसे आपको अल्कज़ार या फिर टूसॉन देती है वही चीज़ है। इसकी वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए। इससे डिजिटल कॉकपिट के आने से ये फ़ायदा है कि जो सारे ADAS के फंक्शन है वो आपको यहाँ पर ग्राफिकली बताने वाला है और आप ज़्यादा इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये जो स्टेयरिंग का बीच का लेआउट है ये सेम है, जो आपको सारा क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन है वो आप देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे सारे जो वॉल्यूम के कंट्रोल्स है, कुछ यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट्स दिए गए,
ये वाली जो पूरी थीम है ये आपको सिमिलर लगेगी अभी की तरह। यहाँ पर आपको जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको IVT का ऑप्शन इंडिया में दिया जाता है, डीजल के साथ आपको 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, और अगर आप 1.4 टर्बो पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 7 स्पीड DCT है। यहाँ पर देखेंगे आपको वायरलेस चार्जर है, कुछ यहाँ पर कप होल्डर का स्पेस है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ आपको दिखेगी, ड्राइव मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, साथ ही इतना स्पेस यहाँ है। ये देखेंगे आप बढ़िया सी आर्मरेस्ट और स्पेसिंग के मामले में ये कुछ इसकी स्पेसिंग है। IRB मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ कि डे नाइट फंक्शन है बट मैनुअल है, इंडिया में फुली ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पर देखेंगे पानोरामिक सनरूफ के सारे कंट्रोल है, सेम इसकी फंक्शनिंग है, यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है। और साथ ही अगर आप बात करेंगे मेरे हेडरूम शोल्डर रूम की तो ऐसा कुछ पूरा हेडरूम शोल्डर रूम है। अगर आप दो लोगों के बीच का शोल्डर क्लियरेंस भी देखते हैं तो वो भी है इसमें, क्योंकि गाड़ी एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी हो जाती है और जिस तरीके से सेल्टॉस और इवन जो आपकी ग्रैंड विटारा है इन सभी को थोड़ा सा कंफर्टेबल माना जाता है अगर आप 4 मीटर से ऊपर चले जाते हैं तो। वहीं देखेंगे सेकंड रो सीटिंग की ओर तो इन सारी चीज़ों में भी कोई कमी नहीं है, सेम स्पेस है जो अभी आता है आपके पास। उसके साथ यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, बीच में देख रहा हूँ आपको हेडरेस्ट दे दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक आर्मरेस्ट का फंक्शन दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने वाला है, जिसमें आपको कप होल्डर ऑफर कर रहे हैं, गाड़ी में हेडरूम भी सही है। उसके साथ बीच में देखेंगे इतना कुछ टनलिंग मिलती है, कुछ स्पेसिंग यहाँ है, और साथ ही देखेंगे चार्जिंग सॉकेट है और पीछे के AC वेंट दिया गया है। इंडिया में जो आपको टॉप एंड मॉडल मिलेगा अडास फंक्शन आना चाहिए, अगर नहीं आता है लेकिन जो इंटीरियर थीम है वो थोड़ी और प्रीमियम हो सकती है इतना मुझे लगता है। जो इंफोटेनमेंट है ये इससे थोड़ा ऊपर वाला आपको देखने को मिलेगा जो कि मिलता है आपको, और स्टेयरिंग भी ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। तो ये तो कुछ रही फिर आपकी ऑल न्यू क्रेटा जो कि अपने फेसलिफ्ट के साथ हमारे सामने है, और ये इसका सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन आपने देखी थी ऑटो एक्सपो 2020 में, अभी करीब 2 साल इस गाड़ी को हो गए। और जिस तरीके से हुंडई इंडिया अपनी गाड़ियों को अपडेट करता है ना, शायद ही कोई कंपनी करती है, बाकी कंपनी इसको भी सीखना चाहिए कि टाइम टू टाइम एक एक अपडेट आनी चाहिए। यहाँ पर भी हमें क्रेटा फेसलिफ्ट मिल रही है और काफ़ी जल्द आपको 2 साल के बाद कुछ और अपडेट मिल जाएगा। और ये इसका वाइट शेड है, आप कमेंट करके ये भी बताइए आपको वाइट कलर अच्छा लग रहा है, ग्रे ज़्यादा बेटर लग रहा है, या फिर जो रेड है। इसका एक ब्लू शेड भी है, वो भी दिखा दूंगा आपको। बट गाड़ियों में जान है और एक सेंटर अट्रैक्शन बनी हुई है, यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़े अलग इंटीरियर्स हैं लेकिन इसका जो इंफोटेनमेंट है वो सिमिलर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर इंटीरियर की थीम में ब्लैक शेड का इस्तेमाल किया गया जो कि ऐसी है, और यहाँ देखेंगे तो सनरूफ खुली हुई है तो इतना अपर्चर है, आप समझ सकते हैं कितना है सनरूफ का अपर्चर। ग्लास इसका पूरा पीछे नहीं जाता है, आधा ही जाता है, और यहाँ पर जो इसका कर्टेन है वो बस हटाया गया है। और यहाँ से देखेंगे जो शाकिन एंटीना है ये भी ब्लैक शेड में है, बढ़िया अपील दे रहा है। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए क्या आप प्लान कर रहे हैं क्रेटा को लेने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप डीजल ले लेते हैं तो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती है, माइलेज भी मिलता है, उसके साथ आपको पावर भी अच्छी मिलती है, चलाने में भी मज़ा आता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कुछ और लिया जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। और गाड़ी फिर ये रही आपके सामने, बाकी ये कुछ आपने इसका रेड शेड देखा, उसी के साथ यहाँ पर हुंडई की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इंडिया में भी इन फ्यूचर आएगी। अभी इनकी मार्केट हुंडई देख रही है लॉन्च किया जाए या फिर नहीं किया जाए, वो सब आपके ऊपर निर्भर है, कैसा आपका इसके ऊपर फीडबैक आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिए आपको नई क्रेटास कैसी लगी और क्या क्या अपडेट आप चाहते थे या फिर अभी भी कुछ अपडेट होने चाहिए थे इस गाड़ी में वो भी बताइए। मेरी नज़र में बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई गई है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के हिसाब से ठीक है, इंजन बिल्कुल सेम है। मैं देख रहा था इसमें कहीं ना कहीं CNG के भी ऑप्शन आ सकते हैं इन फ्यूचर, टेस्टिंग चालू है, देखते हैं क्या आएगा। और गाड़ी ये कुछ रही, और ये भी कमेंट करिए कि ग्रैंड विटारा लिया जाए या फिर हाइलाइटर ली जाए या फिर क्रेटा ली जाए। सेल्टॉस को आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, हो सकता है कि ऑटो एक्सपो में आ जाए, बट पहले क्रेटा आएगी फिर सेल्टॉस की बारी है, उसका भी अपडेट आ रहा है। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे थाई मोटो एक्सपो की पहली वीडियो है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, पूरा आपका सपोर्ट है। और मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।